नमस्ते दोस्तों, छाया किचन में आप लोग का स्वागत है। तो आज मैं बनाऊंगी चटपटा हरी मिर्ची का चटनी, जो आप बहुत दिन तक रख के खा सकते हैं और बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है। अब रोटी, चावल, समोसा, पकोड़ा किसी के साथ भी आप खा सकते हैं। तो मैं किस तरह करके बनाती हूँ पूरे वीडियो में बने रहिए। तो चलिए बनाना शुरू करती हूँ। हरी मिर्ची का चटनी बनाने के लिए ये मैं ताज़ा हरी मिर्च ली हूँ, देखिए। तो इसे मैं अच्छे से धो ली हूँ, तब डंठल हटा के इसे चीरा लगा लेती हूँ। तो देखिए, मिर्ची को डंठल हटा के इस तरह करके चीरा लगा ली हूँ और ये एकदम तीखी वाली मिर्ची है। तो चलिए अब आगे की प्रोसेस में। पहले मैं मिर्ची को फ्राई करूँगी, तो चूल्हे पे चढ़ा दी हूँ कढ़ाई, दे देती हूँ तेल। तेल गरम हो गया है तो दे देती हूँ मिर्ची को। जो मैं लहसुन ली हूँ इसे भी दे देती हूँ, दे देती हूँ स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा हल्दी। अब मैं मिर्ची को अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। तो मिर्ची को मैं 1 मिनट तक फ्राई कर ली हूँ। तो देखिए इस तरह का फ्राई करना है। अब मैं नींबू को निचोड़ के दे देती हूँ। ये देने से ख़राब भी नहीं होगा, बहुत दिन तक रहेगा और ये तीखा भी थोड़ा कम हो जाएगा। नींबू को निचोड़ के दे दी हूँ, तब मैं थोड़ा सा इसे चला लेती हूँ। तो देखिए, चलाते हुए नींबू का रस को मैं सुखा ली हूँ, तब मैं नीचे उतार लेती हूँ। मिर्ची को नीचे उतार के एक थाली में ले ली हूँ, तब मैं इसे अच्छे से ठंडा कर लेती हूँ। तो मिर्ची को मैं ठंडा कर ली हूँ, तो चलिए अब पीस लेती हूँ। तो मैं सिलबट्टे में पीसूंगी, इसमें पानी देकर पीसना नहीं है, इसीलिए मैं सिलबट्टे में ही पीस रही हूँ। सिलबट्टे में पीसने से टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मैं इसमें दे देती हूँ इमली, थोड़ा चटपटा बनाने के लिए। तो अब मैं इसे पीस लेती हूँ। तो देखिए, मिर्ची को मैं पीस ली हूँ, इस तरह करके पीसना है। देखिए बहुत अच्छे से पीस गया है। तो अब मैं इसे एक कटोरी में उठा लेती हूँ। तो देखिए, चटनी को मैं एक कटोरी में ले ली हूँ। तो देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगा। इसे आप बहुत दिन तक रख के खा सकते हैं। तो एक बार इस तरह करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये चावल, रोटी, पकोड़ा, समोसा किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो मेरा मिर्ची का चटनी बनाने का तरीका आप लोग को कैसा लगा कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ ऐसी एक नई रेसिपी में।